पोल्यूशन का लेवल रोजाना बिगड़ता जा रहा है, जो कि हर किसी के लिए बेहद खतरनाक है। और ऐसे में ये जहरीली हवा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे प्रेग्नेंट महिलाएं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत भी प्रभावित हो रही है, और यही वजह है कि डॉक्टर इस जहरीली हवा में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की मनाही करते हैं। खास तौर पर गर्भावस्था के शुरुआती और आखिरी समय में महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो इस जहरीली हवा के संपर्क में आई तो ये महिला और उसके बच्चे दोनों की सेहत के लिए खतरा हो सकता है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पोल्यूशन कितना खतरनाक हो सकता है। साथियों, दिल्ली की हवा में इन दिनों हैवी मेटल्स मौजूद हैं, जो मां की सांस के माध्यम से फीट्स तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पोल्यूशन नवजातों के दिल, दिमाग, फेफड़ों के लिए घातक है। वायु प्रदूषण के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म से पहले ही करीब 100 सिगरेट के धुएं जैसा नुकसान हो सकता है, यानी कि जिस बच्चे का अभी जन्म भी नहीं हुआ उसके फेफड़ों पर गंभीर असर देखने को मिल सकता है। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि पॉल्यूशन माँ और बच्चे की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अभी देश में प्रदूषण के प्रेगनेंसी पर असर को लेकर ज्यादा रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन कुछ रिसर्च में पता चला है कि प्रेगनेंसी में वायु प्रदूषण में रहने से प्री मैच्योर डिलीवरी और लो बर्थ वेट का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम विकसित नहीं हो पाता। लो बर्थ वेट होने पर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जैसी कंडीशन बन रही है, जो बच्चों के लिए रिस्की है। इससे बच्चे के जन्म के बाद कई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इस हवा में सांस लेना गर्भवती महिलाओं के लिए कठिन हो सकता है, जिसका असर प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे में होता है। इससे बच्चे का विकास नहीं हो पाता। हाल में ही हुई एक रिसर्च में 3 महीने के भ्रूण में भी पॉल्यूशन के कण पाए गए हैं। फीट्स के लीवर, लंग्स, दिमाग में PM2.5 पार्टिकल्स मिले हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पॉल्यूशन से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में प्रदूषण से क्या क्या खतरे: फर्टिलिटी प्रभावित, मिसकैरेज का खतरा, कंसीव ना कर पाना, प्री मैच्योर डिलीवरी, प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में बच्चे की धड़कनें रुकने का खतरा। प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में बच्चे के दिल की धड़कनें रुकने का खतरा। अगर महिलाओं को लाइव बर्थ रेट कम हो जाए तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये भी हम आपको बताते हैं। IVF में लाइव बर्थ रेट कम होना, IVF में बच्चे के जिंदा होने की संभावना कम होना, बच्चे की सांस और हार्ट की समस्याएं, ब्रेन का सही तरह से विकास ना हो पाना, जन्म के समय वजन कम होना। साथियों, प्रेगनेंसी में महिलाओं को अपना ज्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, और ऐसे में ये जहरीली हवा तो उनके लिए बेहद खतरनाक है। अगर प्रेग्नेंट महिलाएं इस जहरीली हवा के संपर्क में आईं, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये तो साफ हो गया है। लिहाजा अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुद को पोल्यूशन से कैसे सेफ रखते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।